भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर बहुत कौतूहल है। उद्योग जगत चाहता तो है कि इसे लागू किया जाए, परंतु वो इसमें कुछ सुधार भी चाहता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्वतंत्रता के बाद भारत में होने वाला सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। आज भारत में कई स्तरों पर और कई तरह के टैक्स लगते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, नगर निगम का टैक्स, या फिर यूं कहें कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और ना जाने कितने और टैक्स। इससे उद्योग व्यवसायों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन जीएसटी के आ जाने के बाद केवल एक टैक्स लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि जीएसटी आखिर है क्या? इस वक्त इंडियन इंडस्ट्री को मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू पास होना पड़ता है। हर एक स्टेट के अपने अपने लॉज हैं। अगर एक कंपनी को ऑल इंडिया में बिजनेस करना है, अपना माल हर स्टेट में बेचना है, तो उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना है, हर स्टेट के टैक्सेस को फॉलो करना। तो एक छोटा जो इंडस्ट्री वाला है वो ये सब नहीं कर पाता, इसलिए उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है उसके अंदर से। और जो इंडस्ट्री कर रही है उसको भी बहुत तकलीफ आती है। एक प्रोडक्ट कहीं पर किस प्राइस में बिकता है, दूसरे में दूसरे प्राइस में बिकता है। आज आप दिल्ली में सस्ता बिकता है तो हरियाणा वाला के दिल्ली से खरीदता है, यूपी वाला के दिल्ली से खरीदता है। कुछ चीज़ यूपी में सस्ती बिकती है, दिल्ली वाला यूपी में जाके खरीदता है। ये सब खत्म होना चाहिए। देश एक मार्केट बननी चाहिए, तो उसमें ये इंडस्ट्री को बहुत हेल्प करेगा। यहाँ जीएसटी के एक एक पहलू पर विचार हो रहा है और उद्योगों को उम्मीद है जीएसटी जल्दी ही लाया जाएगा। जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने बदलाव आएंगे? उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 18 से ऊपर नहीं जाएगा और उम्मीद ये करते हैं कि 17% तक आएगा। वो एक फेयर रेट लगता है मोस्ट ऑफ दी कमोडिटीज के ऊपर। कुछ कमोडिटीज के ऊपर जहां पे बहुत कम रेट है वो 17 से भी नीचे रेट डिफाइन कर सकती है सरकार। और ये डेफिनेशन तो पहले तो बिल पास हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, उसके बाद जीएसटी काउंसिल बने। जीएसटी काउंसिल ही इन रेट्स को डिसाइड कर पाएगी, जो प्रोविजन है, प्रावधान है उसके अंदर से। तो वो चीज़ डिस्कशन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बने, जीएसटी काउंसिल बने और सरकार की पूरी तैयारी हो, जो ड्राफ्ट लॉज बने उसके ऊपर फाइनलाइजेशन हो, डिस्प्यूट जुडिशियल मैकेनिज्म बने, एक जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनने वाला है। हर कोई आदमी अपने इन्वॉइसिस की इन्फॉर्मेशन, अपने खरीदने का इन्फॉर्मेशन, बेचने की इन्फॉर्मेशन, टैक्स देने की इन्फॉर्मेशन सारी ऑनलाइन होने वाली है। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आईटी का, वो बने, ये जरूरी है आज की तरफ। जीएसटी की दर क्या होनी चाहिए, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। औद्योगिक घराने क्या चाहते हैं, भारतीय उद्योग जीएसटी को लेकर तरह तरह के सुझाव भी दे रहा है। देखिए, हम तो ये रिकमेंड करना चाहते हैं पहले कि ये टैक्स जल्दी से जल्दी लागू हो। अब आप ये देखिए कि सारा यूरोप, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट पूरा यूरोप एक बाजार है। आप यूरोप की कोई भी कंट्री अपना सामान बनाती है, उसे ये चिंता नहीं रहती कि मुझे वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, वहाँ पे डिफरेंट टैक्स लगेगा, अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एक बाजार हो सकता है, 160 देशों में सिमिलर लॉज लगते हैं, तो हमारे देश के अंदर जहाँ डिफरेंट 30 स्टेट हैं, वो अपने स्टेट मिलकर एक बाजार क्यों नहीं बनाए? पहले आप बाजार बनाइए, फिर जो तकलीफ आएगी उसको सॉल्व करें। सरकार कह रही है कि अप्रैल 2016 में जीएसटी लागू किया जाएगा और सभी को यही उम्मीद है।